नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से दिल्ली में हनुमान कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का आयोजन 6 से 8 जुलाई तक पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित रामलीला उत्सव ग्राउंड में होना है। बागेश्वर धाम के इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। कथा में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यहां तक की एडवाइजरी भी जारी की थी। अलग अलग राज्यों से आ रहे लोग बागेश्वर के इंतजार में बुधवार से ही पंडाल में आना शुरू हो गए थे। अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। बाबा के सम्मान में अर्जी लगाने के लिए कुछ लोग बंगाल से आए और कुछ लोग मुजफ्फरनगर यूपी से आ रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के लोग भी यहां पहुंच रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की संख्या में लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने आ सकते हैं। कथा के लिए भव्य पंडाल सजाया गया है जिसमें 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने जो लोग आएंगे उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। अलग से किचन बनवाई गई है। एक दिन में हजारों लोगों का खाना इस किचन में बनाया जाएगा। लोगों के खाने के लिए छोले पूरी आलू की सब्जी हलवा भी तैयार किया गया है। दिल्ली से लोग जो कथा सुनने आना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग मेट्रो स्टेशन से शटल भी चलाई जाएंगी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।